कोरोना महामारी से जनता परेशान है। इसी बीच कोरोना केयर सेंटर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दहिसर पश्चिम कांदरपाड़ा स्थित कोरोना केयर सेंटर में मृत महिला का मंगलसूत्र और मोबाइल हुआ चोरी। बोरीवली पश्चिम की रहने वाली सुलोचना गिरकर उम्र 55 साल को कोरोना संक्रमित होने पर दहिसर पश्चिम स्थित आईसीयू कोरोना सेंटर में 27 अगस्त को भर्ती कराया गया था। कोरोना केयर सेंटर 9 सितंबर को महिला की कोरोना केयर सेंटर में 9 सितंबर को महिला की कोरोना से मृत्यु हो गई। घर वाले जब बॉडी को देखने पहुंचे तो उन्होंने महिला के मंगलसूत्र और मोबाइल की जानकारी मांगी। जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने शिकायत की तो कोरोना केयर सेंटर जो लाइफलाइन हेल्थ केयर के अंतर्गत आता है तो लाइफलाइन हेल्थ केयर सेंटर ने लिखित पत्र दिया कि हम मृत महिला का मोबाइल और मंगलसूत्र की खोज कर रहे हैं। कोरोना केयर सेंटर में सीसीटीवी और पुलिस की मदद से जांच की जा रही है और जो भी मामले में आरोपी पाया जाता है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पहले से ही मैंने महानगर पालिका के आयुक्त को लेटर लेके बताया था कि वहाँ सुरक्षा कड़ी नहीं है और जब मैं खुद वहाँ गई थी तभी मेरे ऊपर जो हुआ था प्रसंग, इससे मेरे को मालूम पड़ा था कि यहाँ लोग सुरक्षित नहीं होंगे। और आज यही बात हुई कि सुलोचना गिरकर करके एक कोविड पेशेंट वहाँ एडमिट थी। एडमिट होने के बाद एक्सरे जब निकालते हैं तभी कैमरा में उसका मंगलसूत्र दिखता है। 9 तारीख को सुबह में 4 बजे जब भी उसका डेथ डिक्लेयर हुआ, बाद में उनके जो रिलेटिव है उनको डेथ बॉडी लेने को बुलाया, तभी उन्होंने देखा तो उसका मंगलसूत्र और मोबाइल नहीं है। इसके बाद लाइफलाइन वालों ने उनके परिवार को लिख के दिया कि भाई हम लोग ढूंढ के आपको पुलिस पे कंप्लेन करके पुलिस से कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी आपको उनका मोबाइल और मंगलसूत्र मिलेगा, ऐसे हम कोशिश करते हैं। लेकिन अगर क्वारंटाइन सेंटर में महिला सुरक्षित नहीं है, ये तो आपने देखा है क्वारंटाइन सेंटर में महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहे, आज महिला का सौभाग्य भी सुरक्षित नहीं है। मीन्स पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं के ऊपर अत्याचार के अत्याचार, अभी मरने के बाद भी उसका सौभाग्य चोरी हो रहा है, इससे बड़ी बात क्या है। इसीलिए मैं मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त, हमारे यहाँ के MHB पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ठाकरे साहब, इनको कहना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। और ये सक्षम थे इसीलिए उन्होंने बॉडी नहीं ली। ऐसे कितने लोग हो गए कि जिनकी चोरी हुई है लेकिन डर के मारे में बॉडी जल्दी मिलनी चाहिए इसीलिए लोग बोलते नहीं होंगे। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भाई आपका जब भी किसी का कोविड से डेथ होता है तो आपने तुरंत अपने सब जो कुछ उनके साथ हो गए, मंगलसूत्र होगा, मोबाइल होगा, उसका फिर से ख्याल रखना चाहिए। और उनको नहीं मिला है तो तुरंत पुलिस को कांटेक्ट करना चाहिए और हमें भी कांटेक्ट करना चाहिए कि आज लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग कोविड में Day 1 से हम लोग रस्ते पे उतर के काम कर रहे हैं। आज ही देखती हूँ हर लोगों को, ओ मैं स्टीम मशीन दे रही हूँ, जो हमारे सफाई कामगार है, जो हमारे आंगनवाड़ी सेविका है, जो हमारे पुलिस कर्मचारी है, जो हमारे आरोग्य सेविका है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। आज आरोग्य सेविका घर घर गली गली में जा रही है, उनको आरोग्य बारे में ना उनको ग्लोव्स मिल रहे ना उनको मास्क मिल रहे। ऐसी मुंबई महानगर पालिका है, करोड़ों रुपए की मुंबई महानगर पालिका है, लेकिन लोगों को सेवा देने के लिए मुंबई महानगर पालिका कम पड़ रही है, ऐसा मैं आज वादा करती हूँ।